नमस्कार दोस्तों, मेरे पास इस समय दो SMPS हैं। SMPS पावर सप्लाई जो हम कंप्यूटर पे यूज करते हैं अपने डेस्कटॉप पे, इसमें एक डिफेक्टिव है और दूसरा सही है। बिना मल्टीमीटर के, बिना कंप्यूटर पर लगाए हुए, हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये मैं आज दिखाऊंगा। इसमें पहली चीज, ये चीज हमारे पास होगी, यहाँ से हम AC देते हैं, AC सप्लाई के लिए ये है इनपुट के लिए, और यहाँ सारी आउटपुट मिलती है। इसकी रेटिंग क्या है, इनपुट आउटपुट, वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है, सारे हम आराम से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्या रेटिंग है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि क्या है, आप देख रहे होंगे कि लिखा है AC इनपुट वोल्टेज है 230 वोल्ट, एम्पियर है 4 एम्पियर, और जो हर्ट्स है वो 50 हर्ट्स है। जो आउटपुट है DC आउटपुट लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है DC आउटपुट, और ये रेटिंग भी आपको दिखाई दे रही है। लिखा है ऑरेंज पे मिलेगा 3.3 वोल्ट, रेड पे मिलेगा +5 वोल्ट, येलो पे मिलेगा +12 वोल्ट, ब्लू पे मिलेगा -12 वोल्ट, व्हाइट पे -5 वोल्ट, और पर्पल जो होगा +5 वोल्ट, ये होगा पर्पल पे। ये है इसकी रीडिंग, हर एक SMPS पे ये चीज लिखी हुई आपको मिलेगी। अब हमें इसको चेक करना है तो इसमें एक स्विच होता है, स्विच ऑन करने के लिए, पावर सप्लाई ऑन करने के लिए, वो है इसका ग्रीन वाला होता है, आप देख सकते हैं इसमें ये है ग्रीन वाला, और ब्लैक वाला जो होता है वो कॉमन होता है। तो हम क्या करेंगे, एक ब्लैक वाले को और ग्रीन वाले को शॉर्ट करके इसमें पावर देंगे। अगर जैसे पावर ऑन होगी तो फैन चलेगा, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से चौथे नंबर पे ग्रीन वायर है, ये वाली ग्रीन वायर चौथे नंबर पे है। आप चौथे को और तीसरे को, चौथे को और पांचवे को, किसी को भी आप शॉर्ट करके चेक कर सकते हैं। चौथा लेना है जरूर, बाकी ब्लैक वाला कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि पावर सप्लाई ऑन करने के लिए ग्रीन वाली है। अब हमने चौथा और तीसरा लिया, तीसरा भी ब्लैक है और पांचवा भी ब्लैक है, ये आप देख लीजिए। हमने ये तीसरा है ये वाला, और ये चौथा है ग्रीन वाला, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4, फोर्थ पे ग्रीन है और ये तीसरे पे ब्लैक है। यहाँ पर इसको हमने शॉर्ट किया, अब हमने इसको शॉर्ट करके इसके इनपुट पे हमने AC सप्लाई देनी है 230 वोल्ट। हमने AC दी, AC लगा दी है और स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करते ही ये पंखा चलना चाहिए, पंखा चलना चाहिए, पंखा नहीं चल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्ट है। तो ये डिफेक्टिव पावर सप्लाई है, इसमें क्या डिफेक्ट है, क्या प्रॉब्लम है, वो खोल के देखना पड़ेगा, वो बाद में बताऊंगा मैं दूसरे वीडियो में। अभी बताऊंगा कि जो सही होता है वो कैसे होता है, वो सही पावर सप्लाई को लाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये है एकदम सही पावर सप्लाई है, इसमें भी वो रेटिंग लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है AC इनपुट तो सेम है, इसमें AC इनपुट 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है। अब है जो आउटपुट है DC का, इसमें दिया है कलर ऑरेंज पे 3.3 वोल्ट दे रखा है, रेड पे 5 वोल्ट है, व्हाइट पे 5 वोल्ट है, येलो पे
प्लस 5 है, ब्लू पे माइनस प्लस 12 है, येलो पे ब्लू पे माइनस 12 है, पर्पल पे प्लस 5 वोल्ट है, ग्रीन पे इसमें इसने लिखा हुआ है क्लियर कि पावर सप्लाई ऑन के लिए है, ब्लैक कॉमन है, ये चीज इसने क्लियर इसमें लिखी हुई है। ये सारे SMPS में लिखी हुई आती है, उससे आप चेक कर सकते हैं ये सारी चीजें आउटपुट वायर में किसमें कितनी वोल्टेज आती है। अब इनपुट पे इसमें भी हम वो लगाते हैं एसी सप्लाई देते हैं इसको, एसी सप्लाई देते ही जो ये पंखा है इसको चलना चाहिए अगर ये सही है। उससे पहले हम इसको शॉर्ट करेंगे, वही ग्रीन और ब्लैक को लेके हमने ग्रीन वही तीसरे चौथे नंबर पे ग्रीन है और तीसरे नंबर पे ब्लैक है। ये हमने ले लिया, शॉर्ट कर दिया इनको, ग्रीन और वो शॉर्ट किए, ये ग्रीन है और ये तीसरे नंबर पे ब्लैक है। अब हमने इसको एसी पावर सप्लाई से जोड़ दिया और स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते ही आपको आवाज भी सुनाई दे रही होगी और कैमरे में अगर सही दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, पंखा चल रहा है। अब देख सकते हो धीरे धीरे पंखा बंद हो गया है, फिर अब देख लो चलना शुरू हुआ। ये बंद हो गया, इसका मतलब क्या है, ये पावर सप्लाई ओके है। तो जब ये है उसको टेस्ट करने के लिए, इसके बाद में जो अगला वीडियो जारी करूंगा उसमें बताऊंगा कि जैसे उसमें डिफेक्ट था दूसरे में तो उसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। तो मैं लगातार इस टाइप की वीडियोस जारी करूंगा इस चैनल पे, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप लगातार वो वीडियोज आप देख सकें, और बेल बटन भी दबाना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक मैं पहुंचे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। अगर इसके बारे में और जानकारी आपको लेनी है और कुछ और भी आपकी क्वारी है या कुछ और चीजें आप चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स लिख सकते हैं।